हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग रोहित पाल फिटनेस। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रोमानियन डेडलिफ्ट के ऊपर, कि इसे कैसे परफॉर्म करते हैं और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और रोमानियन डेडलिफ्ट में डिफरेंस क्या है और आप कैसे इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपने हैमस्ट्रिंग्स को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और मैं वीडियोज जो है वो रेगुलर बेसिस पर डाल रहा हूँ, मैं एक भी दिन नहीं छोड़ रहा हूँ, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और रोमानियन डेडलिफ्ट में। तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में होता क्या है कि आपको प्लेट फ्लोर तक टच करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ रोमानियन डेडलिफ्ट में आपको जो बार है वो फ्लोर तक टच नहीं करनी होती है। मींस कि आपके नीज के 6 इंच नीचे तक ही आपको रॉड लेके जानी होती है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना होता, और आपके हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेस आता है। तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपको आपके जो फीट हैं वो शोल्डर की विड्थ के साथ रखने हैं और आपके जो नीज़ हैं वो आगे नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहने चाहिए। आपको हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाना है और फ्लोर पे प्लेट्स को टच नहीं करना है, तो आपके हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेस आएगा। तो रोमानियन डेडलिफ्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिक्स मसल के लिए ही है। इस एक्सरसाइज से सिर्फ आपके हैमस्ट्रिक्स मसल्स पे ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, आपके ग्लूट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट की, उसमें आपको काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है, तो इस केस में होता यह है कि कई बार आपके लंबर स्पाइन में कर्व आता है या आपके नीज़ आगे को चले जाते हैं, आपके हिप्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली हैमस्ट्रिंग्स पे प्रॉपर स्ट्रेस नहीं आ पाता है। तो इस कंडीशन में जो रोमानियन डेडलिफ्ट है वो ज़्यादा बेटर है। मैं रोमानियन डेडलिफ्ट ही प्रेफर करूँगा किसी को भी, अगर मेरे को हैमस्ट्रिंग्स के लिए किसी को एडवाइस देनी है, और मैं खुद भी रोमानियन डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ। बट कुछ फीमेल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं बिकॉज उनके हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर बैक और नीज भी उनके आगे नहीं जाती हैं और बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज मैं रेगुलर वीडियोज डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी।